हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, क्रेडिट कार्ड तो हम सभी यूज़ करते हैं। मैं तो काफ़ी ज़्यादा क्रेडिट कार्ड यूज़ करता हूँ, लेकिन कभी कभी दोस्तों ऐसी सिचुएशन आ जाती है जब आपने क्रेडिट कार्ड तो यूज़ कर लिया लेकिन अब उसका बिल बन गया और आपके पास पैसे नहीं है फिलहाल। तो उस केस में आप क्या करेंगे? आप क्रेडिट कार्ड के बिल का पेमेंट एक दूसरे क्रेडिट कार्ड से ही कर सकते हैं, या फिर अगर आपके उसी क्रेडिट कार्ड में लिमिट बची है तो आप उस सेम क्रेडिट कार्ड के बिल का पेमेंट करके उस टेंशन से छुटकारा पा सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं दोस्तों आपको कई सारी ट्रिक्स बताऊंगा जिन्हें यूज करके आप इमरजेंसी के दौरान क्रेडिट कार्ड के बिल का पेमेंट किसी दूसरे क्रेडिट कार्ड से ही कर सकते हैं। तो ये जानने के लिए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए, शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिए। इसी के साथ चैनल पर फर्स्ट टाइम आ रहे हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए। साथ ही हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए, हर तरह के लूट ऑफर्स, अर्निंग कैंपेन्स के अपडेट्स, शॉपिंग डील ऑफर, सब कुछ दोस्तों टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाता। अच्छा बेनिफिट आप निकाल पाएंगे और आप देख सकते हैं मेरे पास कितने सारे क्रेडिट कार्ड्स हैं। ऑलमोस्ट सभी बैंक के क्रेडिट कार्ड, अमेरिकन एक्सप्रेस से लेके बैंक ऑफ बड़ौदा तक, SBI से लेके IDFC फर्स्ट तक। अगर आपको भी क्रेडिट कार्ड बनवाना है तो सारे ही कार्ड्स के लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दी है, आज ही अप्लाई कर लीजिए। इस महीने जो सबसे ज्यादा क्रेडिट कार्ड अप्रूव हो रहे हैं वो है दोस्तों एयरटेल, एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड। ये अभी सभी के लिए ओपन हो गया है। अब ये कार्ड इनवाइट बेस्ड नहीं है, आप आराम से अप्लाई कर सकते हैं, काफी लोगों का ये कार्ड अप्रूव हो रहा है। इसके अलावा रुपए वर्जन में IDFC फर्स्ट बैंक का HPCL क्रेडिट कार्ड भी काफी ज्यादा अप्रूव हो रहा है। और SBI का कैशबैक कार्ड तो हम सभी का फेवरेट है, वो कार्ड भी आपको लेना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी है। कोई इनकम प्रूफ डॉक्यूमेंट नहीं है आपके पास, 750 प्लस सिबिल स्कोर है तो 6 लाख अपनी इनकम में एंटर कीजिएगा, सेल्फ एम्प्लॉयड चूज कीजिएगा, कोई भी अपना घर का बिजनेस नेम डाल दीजिएगा। और दोस्तों एप्लीकेशन में लैंडमार्क पूछता है, लैंडमार्क आपको जरूर से एंटर करना है, ये काफी हेल्प करता है एप्लीकेशन के अप्रूव होने में। अप्लाई कीजिए, आराम से आपको कार्ड्स मिल जाएंगे। चलिए आपको बताते हैं वो कौन कौन सी वर्किंग ट्रिक है जिनके थ्रू आप क्रेडिट कार्ड के बिल का पेमेंट किसी दूसरे क्रेडिट कार्ड से कर सकते हैं। तो दोस्तों इस लिस्ट में MobiKeek का नाम भी आता है। MobiKeek एक जेन्युइन एप्लीकेशन है, यहाँ से आप क्रेडिट कार्ड के बिल का पेमेंट एक दूसरे क्रेडिट कार्ड से कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम है कि यहाँ पे क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट करते समय कई बार आपको क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करने का ऑप्शन मिलता है और कई बार नहीं मिलता है, यानी कि ये परमानेंट ऑप्शन नहीं है, लेकिन आप ट्राई कर सकते हैं यहाँ पे। लेकिन आपको चार्जेस लग जाएंगे 2.65%, जो कि थोड़े हाई है, लेकिन सेफ एंड सिक्योर्ड मेथड है। दूसरा तरीका है दोस्तों EaseMyDeal का। EaseMyDeal के थ्रू भी आप क्रेडिट कार्ड बिल पेमेंट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे भी एक प्रॉब्लम है, चार्जेस थोड़े कम लगते हैं लेकिन यहाँ पे बहुत टाइम ये ऐप मेंटेनेंस में ही रहता है। जैसे कि आज मैं करने जा रहा हूँ तो देखिए बता रहा है ऐप इन मेंटेनेंस। इसके अलावा भी कई बार क्रेडिट कार्ड के बिल का पेमेंट आप यहाँ से करते हैं तो कार्ड में सेटल होने में टाइम लग जाता है, पेमेंट कई बार फेल हो जाता है, लेकिन पैसे आपके कहीं भी नहीं जाएंगे, वॉलेट में आपको मिल जाएंगे, आप दोबारा उसे यूज कर सकते हैं। EaseMyDeal के थ्रू क्रेडिट कार्ड के बिल का पेमेंट आप किसी दूसरे क्रेडिट कार्ड से करेंगे तो यहाँ पे आपको चार्जेस काफी कम लगते हैं, 1.42% का ही लगता है। लेकिन जैसा मैंने बताया यहाँ पे ये दो प्रॉब्लम आती रहती है, पेमेंट कई बार फेल्ड होते हैं और कार्ड का पेमेंट सेटल होने में टाइम लगता है, तो आप चाहे तो EaseMyDeal का भी यूज कर सकते हैं। तीसरा ऑप्शन है दोस्तों SenaPay का। SenaPay आपके पास नहीं है तो आज ही साइनअप कर लीजिए, KYC कर लीजिएगा, यहाँ से आप क्रेडिट कार्ड टू बैंक ट्रांसफर भी बहुत ही मिनिमम चार्ज में कर सकते हैं। SenaPay एप्लीकेशन पे भी आप क्रेडिट कार्ड बिल पेमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे बस आप डायरेक्ट वीजा या मास्टर कार्ड से पेमेंट नहीं कर पाएंगे, आपको यहाँ पे UPI सेलेक्ट करना होगा और अपने किसी रुपए क्रेडिट कार्ड के थ्रू, जो कि आपके फोन पे, गूगल पे, अमेजोन पे ऐप में लिंक होगा, उसके थ्रू क्रेडिट कार्ड के बिल का पेमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे क्रेडिट कार्ड बिल पेमेंट करने पे ओनली 1.05% का चार्ज लगता है, जो कि बहुत ही ज्यादा कम है। लेकिन इस एप्लीकेशन की जैसे मैंने बताया ड्रॉबैक यही है कि आप केवल रुपए क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं किसी भी क्रेडिट कार्ड का। चौथा जो सबसे बढ़िया अभी मुझे ट्रिक लगती है वो है कपल ऐप की। दोस्तों कपल शेयर्ड बैंकिंग एप्लीकेशन अभी इस मामले में सबसे बढ़िया है। कपल ऐप में साइन अप कर लीजिए, लिंक दे दिए डिस्क्रिप्शन में। यहाँ पे आप फुल KYC कर लेंगे तो आपको 2 लाख रुपए की लिमिट मिल जाएगी पर मंथ की। मेरा भी फुल KYC अकाउंट हो चुका है। कपल ऐप में आपको किसी भी क्रेडिट कार्ड से पैसे ऐड करने हैं, उसके लिए आपको यहाँ पे चार्ज लगता है 1.95% का। तो आप ऐसा कोई क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं जिसमें आपको 2% का कैशबैक मिलता है, जैसे कि स्टैंडर्ड चार्टर्ड स्मार्ट कार्ड, या 1% का कैशबैक मिलता है अमेजोन ICICI कार्ड, तो आपको ज्यादा बेनिफिट होगा। कपल ऐप में आप पैसे ऐड कर लेंगे क्रेडिट कार्ड से, फिर यहीं पे क्रेडिट कार्ड बिल पेमेंट का ऑप्शन है, कई सारे क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट कर सकते हैं, इंस्टेंट पैसे आपके
क्रेडिट कार्ड में सेटल हो जाएंगे। SBI का तो इंस्टेंट सेटलमेंट हो जाता है। यहाँ देखिए, मैंने कई बार क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट इस तरह से किया किसी दूसरे क्रेडिट कार्ड से। यहाँ पे मैंने देखिए जैसे 1875 रुपये लोड किए कपल वॉलेट में और फिर 5875 रुपये मैंने SBI कार्ड का बिल पेमेंट कर दिया। यहाँ पे आप टाइड कार्ड भी यूज़ करेंगे तो आपको काफ़ी अच्छा बेनिफिट होगा। टाइड कार्ड पे आपको 3.5% का कैशबैक मिलता है, यहाँ पे करीब करीब 2% का चार्ज लग रहा है, फिर भी 1.5% का आपको नेट कैशबैक टाइड कार्ड पे बच जाएगा और यहाँ पे कैशबैक काउंट हो रहा है। मैंने इस महीने 2 लाख रुपये का स्पेंड कर लिया इसी तरह से और 7000 रुपये का मेरा टाइड का कैशबैक बन चुका है। तो इन सारे ट्रिक्स को यूज़ करके दोस्तों आप क्रेडिट कार्ड बिल पेमेंट किसी दूसरे क्रेडिट कार्ड से आराम से कर सकते हैं। इमरजेंसी में ये आपके काफ़ी काम आएगा।